अच्छा जी, तो आज मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि जो बिगनर्स बच्चियाँ हैं जिनको आईलाइनर लगाने में या मस्कारा लगाने में बहुत घबराहट महसूस होती है, तो बहुत ही आसान तरीके से वो किस तरह से आईलाइनर और मस्कारा बिल्कुल बेसिकली लगा सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए सबसे पहले आप लोगों को किसी भी अच्छे ब्रांड का पेंसिल आईलाइनर ले लेना है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो इस वक्त पेंसिल आईलाइनर लिया है, स्टैम्प आईलाइनर भी इसको कहते हैं, ये मिस रोज़ कंपनी का है। अच्छा जी, सबसे पहले आप लाइनर लोगे और बिल्कुल लैश लाइन पे, मतलब जहाँ लैशेज है ना वहीं पर बिल्कुल एजेस पर आप थोड़े थोड़े गैप के साथ है ना लाइनर को अप्लाई करोगे, जैसे हम पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हैं ना, सेम इसी तरह से। और फिर आहिस्ते आहिस्ते इस सारी लाइनों को मिलाते जाओगे। और फिर आप लोगों को अगर मोटा लाइनर चाहिए तो आप इस लाइन को ऊपर ऊपर करके डबल भी कर सकते हो, और अगर आपको बिल्कुल पतला लाइनर चाहिए तो आप सिर्फ इस पेंसिल की नोक या इसकी पॉइंट की मदद से लाइनर की लाइन को स्मूथ कर दोगे, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपको लाइनर पतला चाहिए या मोटा चाहिए, और बस इसको बिल्कुल आई के एंड तक, जहाँ पे हमारी आंखें ख़त्म हो रही है ना लेंथ वाइज, वहाँ पर आकर आपको इसको स्टॉप कर देना है, बिल्कुल भी कहीं बाहर नहीं निकालना है। अच्छा, इसके बाद जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बॉब का मस्कारा है जो बहुत ही अच्छा है, जो आई थिंक 350 रुपीज़ का है। अच्छा, मस्कारा लेने के बाद आप आँखों की जो आइस का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, लिड वाला पार्ट, उसको आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचोगे आईब्रोज की तरफ से पकड़ के, और अपना मस्कारा लगाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से पकड़ के अगर आप लोग लगाओगे ना, तो कभी भी आपका मस्कारा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ नहीं लगेगा। अच्छा, कभी भी है ना ये ट्राई मत करना कि आप एक साथ पूरी लैश पे मस्कारा लगाओ, हमेशा थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके आपको लगाते जाना है और बाकी आई लैश को कवर करना है, ठीक है। अब आप लोग देखो किस तरह से मैंने इतना आसान तरीके से आई लाइनर भी लगाया और आई लैश भी लगाया। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये टेक्निक समझ आई या नहीं आई। अल्लाह हाफिज़।